हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मसांजी सुपर लीग के मुकाबले की, जो खेला जाएगा पाल रॉक्स वर्सेस केप टाउन ब्लिट्स के बीच में पाल के बोलैंड पार्क के अंदर 10 नवंबर को दोपहर के 1:30 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है Sony 6 और Sony ESPN के ऊपर। अगर बोलैंड पार्क की पिच के बारे में बात करें तो ये पिच भी अच्छे से बैट्समैन को सपोर्ट करने वाला पिच है। यहाँ पे भी बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, बॉल काफ़ी अच्छे से बैट के ऊपर आएगा। और इस मैदान की बाउंड्री भी थोड़ी सी छोटी भी है। आप टॉस जीते पहले बॉलिंग करने का फैसला करना चाहोगे, क्योंकि इस ट्रैक के ऊपर कोई भी टारगेट आप आसानी से चेस कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हो होम टीम पार रॉक्स के बारे में। तो पार रॉक्स इस सीजन का अपना पहला मैच खेलने जा रही है और वो चाहेगी कि उनकी शुरुआत अच्छी हो। ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रही पेपर के ऊपर। अगर मैं इनकी बैटिंग के बारे बात करो, पहले आते हैं कप्तान फाफ डू प्लेसी जी। हां, साउथ अफ्रीका के भी वनडे टीम के कप्तान फाफ डू प्लेसी टीम के कप्तान हैं और टीम के सबसे बढ़िया बैट्समैन हैं। टीम इनसे बहुत उम्मीद करने वाली है। हाल ही में इनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है, पर फाफ डू प्लेसी अपना फॉर्म को जरूर से संभालना चाहेंगे सीरीज के अंदर। जेम्स विंस भी टीम के अंदर है, पर वो 2-3 मैच बाद टीम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो भी नेशनल ड्यूटी में इंग्लैंड के साथ है। हेनरी डेविड्स के रूप में भी एक और काफी अच्छा वेटरन बैट्समैन है इस टीम के पास। हेनरी डेविड्स एक काफी एक्सपीरियंस बैट्समैन और काफी अच्छे बैट्समैन है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम के इसके ऑलराउंडर्स। सबसे पहले ऑलराउंडर आते हैं जीन पॉल डुमिनी जी। हाँ, जेपी डुमिनी इस टीम का पार्ट है, जो कि साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी ऑलराउंडर है। बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं। अभी CPL के अंदर भी वो टाइटल जीत के आ रहे हैं अपनी टीम के साथ में, और वहां भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया था। तो एक जबरदस्त ऑलराउंडर है जेपी डुमिनी। उसके बाद अगले प्लेयर आते हैं कैमरून डेलपॉट। कैमरून डेलपॉट एक T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर है। ऑलराउंड द वर्ल्ड वो T20 लीग्स खेलते हैं, नंबर 3 पर बैटिंग भी करते हैं और अपने कोटा के 4 ओवर भी अच्छे से डाल सकते हो। कैमरून डेलपॉट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगले प्लेयर जो इस लिस्ट के अंदर आते हैं वो ड्वेन प्रिटोरियस। ड्वेन प्रिटोरियस साउथ अफ्रीका के लिमिटेड ओवर से रेगुलर ऑलराउंडर है, काफी लंबे लंबे हिटे मारते हैं और उनकी पेस बॉलिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी। तो ड्वेन प्रिटोरियस के होते हुए एक और बहुत शानदार ऑलराउंडर है टीम के पास में। और इन्हीं के साथ साथ श्रीलंका के ईसुरु उदाना भी टीम के अंदर है। ईसुरु उदाना भी काफी डिसेंट से प्लेयर है, काफी लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं, उसी के साथ वो काफी लंबे लंबे हिटे भी मार सकते हो। इस टीम के पास 4 काफी बड़े बढ़िया ऑलराउंडर है और टीम इनसे बहुत उम्मीद करने वाली है। अगर बॉलर्स के बारे में बात करो, पहले बॉलर आते हैं तमरेश शामसी। तमरेश शामसी लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है और T20 के अंदर चाइनामैन बॉलर की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है सबको पता है। तमरेश शामसी अपनी वेरिएशन से किसी को भी परेशान कर सकते हैं। अगले आते हैं हार्दस विलजोइन। हार्दस विलजोइन के बारे में भी सब जानते हैं, आजकल IPL के अंदर भी खेलते हैं, CPL के अंदर भी खेलते हैं। वो भी एक T20 काफी एक्सपीरियंस बॉलर उभर के आएंगे। स्लोअर बॉल्स काफी ज्यादा बढ़िया, कटर्स भी बहुत अच्छे मारते हैं, तो वो भी T20 के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। और उसके अलावा बिजोन भी आते हैं टीम के अंदर। बिजोन भी काफी ज्यादा अच्छे बॉलर है, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, साउथ अफ्रीका के ही है। तो इस टीम के पास बैटिंग भी अच्छी है, ऑलराउंडर तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और बॉलिंग भी काफी अच्छी है इस टीम की। तो मेरे हिसाब से ये टीम काफी अच्छी लग रही है और जरूर से ना पहला मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगी। अब मैं बात कर दूं केप टाउन ब्लिट्स की टीम के बारे में, जो कि पिछले मैच के अंदर डिफेंडिंग चैंपियन जोजी स्टार्स को उन्हीं के ग्राउंड के ऊपर हार के आ रही है। इस वजह से उनकी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। क्विंटन डिकॉक की कप्तानी वाली ये टीम ने पहले मैच में काफी जीत हासिल करी और इस मैच के अंदर भी कुछ ऐसा ही करना चाहेगा। जाने मन मलान ने 19 रन की जबरदस्त पारी खेली, वो नॉट आउट रहे। हालांकि वो अनलकी रहे कि वो सेंचुरी ना मार पाए, पर जाने मन मलान बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में दिखे। हर बॉल पर चौके छक्के मार सकते थे वो, और उनके जैसा प्लेयर फॉर्म में रहेगा तो किसी भी टीम की दिक्कत दे सकता है। उसके अलावा बैटिंग में सबने अच्छा प्रदर्शन किया। नंबर 4 के ऊपर आते हुए लिविंगस्टोन भी काफी अच्छे लग रहे थे। लियम लिविंगस्टोन भी काफी अच्छे बैट्समैन, काफी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। तो इस टीम में बैटिंग काफी ज्यादा शॉर्ट आउट लग रही है। बॉलिंग के अंदर डेल स्टेन ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट निकाले और सिर्फ 4 ओवर 25 रन दिए। तो डेल स्टेन की बॉलिंग बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट थी इस टीम के लिए। हालांकि आंड्रिक नोकिया कुछ खास बॉलिंग नहीं कर पाए, वो काफी ज्यादा महंगे साबित हो, पर इस मैच उम्मीद की जाएगी कि आंड्रिक नोकिया भी काफी अच्छी बॉलिंग करके देंगे टीम को। उसके अलावा टीम में वर्नोन फिलेंडर भी, जो कि काफी अच्छे प्लेयर है। तो इस टीम के पास पहले मैच में जीता का कॉन्फिडेंस भी है और इस टीम के प्लेयर काफी अच्छे फॉर्म में भी लग रहे हैं। हालांकि बॉलिंग को थोड़ा बहुत सुधारने की जरूरत है, पर बाकी केप टाउन की टीम काफी अच्छी लगी।
पहले मैच के अंदर। अगर मैं प्रेडेटर लाइनअप के बारे में बात करूं, मुझे लगता नहीं टीम को चेंज करना चाहेगा। जो टीम पिछले मैच में जीती वही खेलेगी। तो ओपनिंग करेंगे क्विंटन डिकॉक और जहानिमन मलान। नंबर तीन के ऊपर आपके आते हैं लियम लिविंगस्टोन। नंबर चार पे मोइन अली। नंबर पांच पे मोहम्मद नवाज। नंबर छह अविवे मक्केजमा। फिर जॉर्ज लिंडे, वर्नॉन फिलेंडर, सिसांदा मगला, आनरिक नोकिया और डेल स्टेन। तो ये टीम हो सकती है केपटाउन की, और केपटाउन जरूर से लगातार दो में से दो मैच जीतना चाहेगा। आप मुझे पोल में बताना मैच कौन जीतेगा। पार रॉक्स की टीम ये मैच जीतेगी, केपटाउन ब्लिट्स में लगातार दूसरा मैच जीतेगी। आप मुझे पोल में जरूर से बताना, और इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। अगर मेरे बजट के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से वापस से केप टाउन ब्लिट्स का ही पलड़ा भारी रहने वाला है। केप टाउन ब्लिट्स के प्लेयर बहुत जबरदस्त फॉर्म में दिखे हैं और बहुत शानदार खेल, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। बॉलिंग में हालांकि थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, पर बैटिंग बहुत जबरदस्त थी और बॉलिंग भी अच्छी केप टाउन की। मेरे हिसाब से ये मैच केप टाउन जीतेगा और लगातार दो में से दो मैच जीतेगा। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।